सैमी, कल्पना 10 बजने वाले हैं, जल्दी चलो। देखो, तुम जानती हो ना राघव तुमसे कितना प्यार करता है, और तुम ये भी जानती हो कि वो तुम्हारे प्यार के लिए कुछ भी कर सकता है। मुझे कल्पी को बताना होगा कि सिर्फ 1 साल मेरा इंतजार कर ले, उसके बाद हम दोनों एक हो जाएंगे। अगर किस मुंह से उससे ये सब कहूं, पहले ही इतना हर्ट कर चुका हूं उससे। सैमी, मैं तुझे ही कॉल करने वाला था। जिंदगी ने मुझे वापस उसी मोड़ पर खड़ा कर लिया है सैमी। सोचा था आज उससे मिलूंगा, सब कुछ बता दूंगा, ये भी कि मैं पाकी को डिवोर्स देने जा रहा हूं, लेकिन मॉम चाहती है कि मैं कपूर फैमिली से बदला लूं, और ये भी चाहती है कि मैं कल्पी से 1 साल के लिए दूर रहूं, अलग रहूं। देख राघव, मैं तेरी परेशानी समझता हूं, लेकिन तू जानता है ना कल्पना और कमला आंटी को, उनके लिए सब कितना मुश्किल है। कोशिश की मैंने, लेकिन उन्होंने अपने आप को मारने की कोशिश की। उन्होंने इतना सहा है कि उनको मनाना मुश्किल है सैमी। देख यार, तुझे जो भी डिसाइड करना है आज ही डिसाइड करना पड़ेगा। यही तो प्रॉब्लम है मेरे लाइफ की। मैं वापस उसी दो राह में खड़ा हूँ जिसमें एक तरफ मैं माँ का दिल दुखा नहीं सकता, और दूसरी तरफ एक बार फिर कल्पी को धोखा नहीं दे सकता। मेरी समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। कल्पी को तो मनाना ही होगा सैमी, क्योंकि अगर मॉम अपने आप को कुछ कर लेंगी तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। कैसे मिलूंगा कल्पी से? मेरा तो दिल बैठ गया है, कैसे कहूंगा उससे कि 1 साल मेरा इंतजार करे। इतना बेबस और इतना मजबूर मैंने अपने आप को कभी महसूस नहीं किया। क्या करूंगा मैं सैमी, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। बाद में बात करता हूं। राघव, कल्पी, कल्पी क्या सोच रही है अपनी आई की कसम के बारे में? और उस कसम का क्या हो गया जो तूने राघव के लिए खाई थी, जो तूने राघव के प्यार के लिए उठाई थी? राघव और उसकी माँ ने एक गलती की, गुस्से और बदले की आग में खुद को झोंक दिया। तू भी वही गलती करने जा रही है? नहीं कल्पी, तू ऐसा नहीं कर सकती। ये राघव की जिंदगी का सवाल है, खुद जानती है कि वो कितना जिद्दी है। तो तू उससे नहीं मिलने गई ना, तो अपनी जान दे देगा। तू खुद सोच, क्या तेरी आई की कसम राघव की जिंदगी से ज्यादा जरूरी है? लेकिन अगर मैंने आई की कसम तोड़ दी तो उसका दिल टूट जाएगा, और अगर तू वहां पर नहीं गई तो राघव की सासों की लड़ी टूट जाएगी। तेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है, 10 बजने वाले हैं, तेरा वहां जाना जरूरी है, जल्दी फैसला कर। एक वक्त था जब तू राघव के लिए सारी दुनिया के खिलाफ जाने के लिए तैयार थी। तेरी आई को समझा देना और वो खुद समझ भी जाएगी। ये उसकी कसम किसी की जिंदगी से बढ़कर नहीं है। नहीं, मैं अपना फैसला नहीं बदलूंगी। एक और राघव है जिसने मेरे सपने, मेरा विश्वास तोड़ा, और दूसरी और मेरी आई जिसने अपनी आंखों में मेरे सपने पाले, मुझ पर इतना भरोसा किया। जो माँ मुझ पर इतना भरोसा करती है, मैं कैसे उसके वादे को तोड़कर राघव से मिलने जा सकती हूँ? नहीं, मैं राघव से मिलने नहीं जाऊंगी। राघव तो नहीं है यहां पे।
शायद गौरी आंटी के रूम में हूँ।